गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है कि दो आपको क्वेश्चन दिया है, बोला है कि इनमें कौन सा कॉमन रूट है। तो बढ़िया सा आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन रख के आप चेक कर सकते हो कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है कौन सा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो माइनस वन से आप रखोगे तो आपके पास इसमें जेड क्यूब प्लस 2z² प्लस 2z+1, इसमें माइनस वन पुट करोगे देखो आपका सेटिस्फाइड कर रहा है क्या। माइनस वन रखने पर यहाँ पर होगा माइनस वन, ये होगा प्लस टू, माइनस टू वन कट जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस वन सेटिस्फाइड कर रहा है। इसमें देखो 2017 जेड की पावर, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2018 प्लस वन, हाँ माइनस वन रखने पर ये माइनस वन गाइस हो जाएगा, ये प्लस वन, ये माइनस वन, यहाँ पे 0 नहीं हो रहा, तो जिसमें माइनस वन वाला ऑप्शन नहीं होगा गाइस, ठीक है। अच्छा अब देखो गाइस आपके पास माइनस वन नहीं होगा, तो अब देखो आपके पास क्या बचा, वन रख के ज़रा चेक करते हैं। तो वन जब हमने रखा था हमारे पास वन रखने पर आएगा यहाँ पे वन, वन वाला तो एकदम नहीं होगा, तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो, करेक्ट होगा, ठीक है। इस तो इस तरह से आप क्या मारोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका चेक कर लो इसको रख के, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी इज़ करेक्ट होगा। क्या इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, देखिए इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे चेट है वहाँ पर ओमेगा रख दोगे आप, ओमेगा की पावर क्यूब प्लस 2ω² प्लस 2ω+1, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा ω² + ω, इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, यहाँ से +1, जब आप सॉल्व करोगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, सेम कर रहा हूँ यहाँ भी करोगे, ओमेगा की पावर 2017, ओमेगा की पावर 2018, ओमेगा की पावर 1 कॉमन लेंगे, 2017 कॉमन ले लेंगे, ऐसे आप रखोगे यहाँ वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 + ω, ठीक है। 1 + ω की वैल्यू होती है -ω² होती है, प्लग कर दिया आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से 0। तो डी वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो क्या आपका यही क्वेश्चन, इसी यही आंसर होगा आपका।